कर्मचारी आपके दरवाजे पर दस्तक दे, आपके घरों तक पहुंचे, एनपीआर और जनगणना के नाम पे आपको कुछ सावधानी बरतनी है, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो कौन सी बातें हैं और वो कौन सी सावधानी है, वो बतलाने के लिए मैंने ये संदेश आज आप तक पहुंचाया है। कर्मचारी आपके दरवाजे पर दस्तक दे, आपके घरों तक पहुंचे, एनपीआर और जनगणना के नाम पे आपको कुछ सावधानी बरतनी है, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। वो कौन सी बातें हैं और वो कौन सी सावधानी है, वो बतलाने के लिए मैंने ये संदेश आज आप तक पहुंचाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस संदेश को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। सबसे पहली सावधानी आपको यह बरतनी है कि इस बार कोई भी कर्मचारी अगर जनगणना या एनपीआर के लिए आपके घरों तक आता है तो हमें देखना है कि उस फॉर्म को वो पेंसिल से भरते हैं या पेन से। आपको याद होगा कि देश में जब जब जनगणना होता था तो कर्मचारी पेंसिल से जनगणना फॉर्म को भरकर चले जाते थे। हमें यह सोचना होगा कि देश की इतनी अहम जानकारी आखिर पेंसिल से क्यों भरी जाती रही। क्या इसके लिए सरकार ने कोई दिशा निर्देश तय किया हुआ है, कोई नियम बनाया हुआ है? अगर कोई नियम नहीं बना है तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जो भी फॉर्म हमारे सामने कर्मचारी भरेगा वो पेन से भरेगा या वो कोई दिशा निर्देश हमें दिखलाएगा। हमें यह मालूम होना चाहिए कि पेंसिल से भरी गई जानकारी आसानी से मिटाई जा सकती है, आसानी से एडिट किया जा सकता है, यानी हमारे आंकड़ों के साथ, हमारे डेटा के साथ आसानी से छेड़छाड़ किया जा सकता है। असम में एनसीआर का जो लिस्ट सामने आया है उसमें उन्हीं लोगों के नाम नहीं है जिनके नामों के स्पेलिंग में मिस्टेक थी। तो हमें इस बार जागरूक बनना है, जानकार बनना है, आंख और कान दोनों खोल कर रखना है। हमें यह ध्यान देना है कि जो कर्मचारी हमारे फॉर्मों को भरेंगे वो पेन से भरेंगे। दूसरी अहम बात, आपको याद होगा कि जब आप आधार केंद्र पर आधार अप्लाई करने जाते थे तो आपको बकायदा एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलता था जिसमें किस तारीख को आपने अप्लाई किया है, कितने बजे किया है, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी सब उस स्लिप में दर्ज होता था। इस बार हम सरकार से मांग करेंगे, हम अपने प्रतिनिधियों तक यह आवाज पहुंचाएंगे कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे, या हो सके तो हमें इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़े तो हम सड़कों पर भी उतरेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि इस बार अगर कोई जनगणना फॉर्म भरा जाएगा तो उसकी एक कॉपी हमें भी दी जाए ताकि कल हो करके अगर हमारे नामों में कोई गलती पाई जाती है तो हम उस स्लिप के माध्यम से कोर्ट में खड़े होके या सरकार को हम चैलेंज कर पाएंगे कि जो जानकारी हमने दी थी वो गलत दर्ज की गई है। अक्सर यह देखा गया है कि डेटा एंट्री के वक्त डेटा अधिकारी गलती कर देते हैं, इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि इस माहौल में जो भी फॉर्म कर्मचारी भरेंगे उसकी एक कॉपी हमें देने की व्यवस्था की जाए। उसी समय बाकायदा मोहर लगा के उस पर कर्मचारी का भी दस्तखत होगा और हमारा भी दस्तखत होगा। तीसरी अहम बात, हम आप सभी किसी न किसी रोजगार से जुड़े हैं, कोई सुबह दुकान चला जाता है तो कोई ऑफिस चला जाता है, तो इस बार हम ये भी सुनिश्चित करेंगे घर से निकलने से पहले कि हम अपने घर परिवार वालों को अपने बारे में सही सही जानकारी देके जाएंगे। बेहतर होगा कि एक सादे पन्ने पे हम अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि ये सारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख के जाएंगे और घर वालों को ये समझा कर जाएंगे कि हमारे पीछे में अगर कोई कर्मचारी आता है और वो अगर फॉर्म भरता है तो जिस तरह से आप सादे कागज पे छोड़ के गए हैं, जो स्पेलिंग आप लिख के गए हैं वो थॉरली एक एक कॉलम को चेक करेंगे कि वही भरा गया है। अगर हमारे घर की माता बहनें पढ़ी लिखी नहीं है तो वो किसी पढ़े लिखे पड़ोसी से या अपने किसी पढ़े लिखे रिलेटिव को उसी वक्त बुलाएंगी या जो अवेलेबल होगा आसपास में उसको बुलाएंगे और वो अपने सामने ये सुनिश्चित करेगा कि जो कर्मचारी फॉर्म भर रहे हैं वो सही सही भर रहे हैं। तो मूल रूप से आपको तीन बातों का ख्याल रखना है, एक कि जो भी जानकारी वो पेन से भरी जानी चाहिए, दो आपको इसकी एक कॉपी मिलनी चाहिए ताकि कल होकर के हम ये साबित कर सकें कि जो हमने जानकारी दी है वो सही थी, तीसरी कि हम अपने घरों से निकलने से पहले अपनी जानकारी घरों में समझा कर निकलेंगे या लिख के छोड़ कर जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आप समझ गए होंगे कि क्यों जरूरी है, इसको आप आम लोगों तक पहुंचाएंगे और इस पर अमल भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।